देखो यहाँ पे हमने पास एक पैरेललोग्राम गिवन है और उसकी ए बी सी एंड डी वर्टिक्स है, ठीक है। जो ए बी वेक्टर है उसका हमें वेक्टर गिवन है, ए बी वेक्टर हमें गिवन है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i k माइनस 2j k प्लस 2k k, ठीक है। एंड बी सी वेक्टर, ये वेक्टर हमें गिवन है, बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई के प्लस 2k k, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम डायगोनल सी ए निक सॉरी ए सी डायगोनल निकालेंगे, ठीक है। यही होता है यहाँ पे, देखो ए बी बी सी और यहाँ पे क्या जाता है सी ए, ठीक है। तो सी ए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी ए सी इज इक्वल टू सॉरी ए सी ए ये, ठीक है, ए सी, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से ए बी प्लस बी सी, तो ए बी प्लस बी सी, ठीक है। क्योंकि यदि हम इस तरफ साइन लेते हैं, ये वाला साइन, ये वाला नहीं लेना चाहिए लेकिन ये वाला लेते तो हमारे पास वो वेक्टर ट्रायंगल की वेक्टर प्रॉपर्टी लगा देते कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी एज इक्वल टू जीरो। लेकिन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या आ जाएगा ट्रायंगल में, ए बी प्लस बी सी माइनस माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो। तो ए सी इज इक्वल टू आ गया ए बी प्लस बी सी। तो ए सी वेक्टर, ए सी डायगोनल आ जाएगा अपने पास, ए बी क्या है 3i k माइनस 2j k प्लस 2k k प्लस बी क्या है, बी है अपने पास माइनस आई के प्लस 2k k, यही है। तो यहाँ से अपने पास ए सी वेक्टर आ गया 3i k माइनस आई के, 2i k माइनस 2j k एंड 2k k प्लस 2k k 4k k, ये अपने पास ए सी वेक्टर आ गया डायगोनल का, ठीक है। इसी तरह बी डी, ये बी डी है तो बी डी कैसे निकालेंगे हम, देखो ए बी है तो ये कितना होगा, ये भी ए बी, ए बी होगा, ठीक है। और ये कितना होगा, ए डी है वो भी इतना ही होगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो ए बी और ए डी, ठीक है। तो इसको हम रिवर्स, यहाँ से क्या करेंगे, इसको ये काम करते हैं, यहाँ से इसको रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से बी ए प्लस ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पे माइनस का ही है तो हम क्या करेंगे, बी ए प्लस क्या आ जाएगा ए डी, और ए डी क्या है बी सी है एक तरह से। तो हम यदि हम लिखना चाहें, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी बी ए वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, वो किसके इक्वल होना चाहिए, होना चाहिए बी डी के वेक्टर, बी डी वेक्टर के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बी डी वेक्टर आ जाएगा अपने पास ए डी, ए डी तो हमारे पास क्या है, देखो बी सी के पैरेलल ही है, तो ए डी को हम लिख सकते हैं, ए डी को हम लिख सकते हैं बी सी, ठीक है। माइनस बी ए को ए बी बनाने के लिए माइनस आ जाएगा तो ए बी आ गया, ठीक है। तो बी डी वेक्टर होगा वो आ जाएगा बी सी माइनस ए बी वेक्टर, ठीक है। तो बी डी वेक्टर इज इक्वल टू बी सी क्या है, माइनस आई के प्लस 2k k एंड माइनस ये कितना आ जाएगा 3i k प्लस 2j k माइनस 2k k, 2k k से 2k k कैंसिल आउट, और बी डी वेक्टर आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस माइनस आइटा 3i कितना हो जाएगा 4 माइनस 4i प्लस 2j k, ठीक है, 4i माइनस 4i k प्लस 2j k, ये बी डी वेक्टर आ गया। अब हमारे पास टू वेक्टर्स के, टू डायगोनल्स के वेक्टर्स आ गए, इनके बीच का एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, वो क्या आता है, वो आता है कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी करेंगे सबसे पहले, ए डॉट बी कितना आ जाएगा, देखो सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस फोर माइनस माइनस फोर इंटू एट माइनस फोर इंटू टू माइनस एट एंड माइनस टू इंटू प्लस, तो यह आ जाएगा माइनस फोर, ठीक है। तो यहाँ से माइनस ट्वेल्व आ गया, और इस माइनस ट्वेल्व को तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो माइनस ट्वेल्व अपॉन ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ए वेक्टर, ए वेक्टर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 प्लस 16, स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 20 अपॉन ये 20 एंड 24, ठीक है, इंटू 20, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस 12 अपॉन
कितना आ जाएगा यहाँ से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यदि 4 से डिवाइड करेंगे तो 2√6, और इससे भी 4 बाहर ले लेंगे तो 2√5। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास cos theta आ जाएगा यहाँ से, ये 2 से 4 ये 3 टाइम्स चला जाएगा, तो आ जाएगा -3/√30। ओके, और आगे सोल्व करना चाहिए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं, और √30 को √10 × √3 लिख सकते हैं, √3 से √3 कैंसिल आउट, तो cos theta आ जाएगा यहाँ पे -√3/10। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके,